पूरा अच्छी तरह से। अब हम लोग चलेंगे मौसी घर, 3 किलोमीटर दूर है तो हम लोग पैदल ही चल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी दोपहर का वक्त हो चुका है और खाना वाना सब हो चुका है, और दोस्तों देख सकते हैं रीना अभी नया नया पानी है, अभी जाएगी मौसी घर। मतलब सामने है मौसी का, जगह नहीं है, 2-3 किलोमीटर होगा ना। मतलब मेरी माँ लोग तीन बहन है ना, तो तीनों का बहुत ही सामने सामने है। एक है मतपुर में मेरी माँ है, हाँ, और फिर इधर और एक मौसी बड़ी मौसी, मतलब वहाँ 4 किलोमीटर, यानी मतलब 3-4 किलोमीटर का अरक फरक में है तीनों बहन। तो अभी ये तैयार हो चुकी है पूरा, और देख सकते हैं अभी मम्मी भी तैयार हो रहे हैं, अभी वे बाल अभी अच्छा से कर रहे हैं, अभी चीर रहे हैं, तो सबको खाना वाना खा लिए हैं, अब थोड़ा देर में इन लोग निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हो गए हैं और माँ भी तैयार हो गई है पूरा अच्छी तरह से। अब हम लोग चलेंगे मौसी घर, मौसी घर जाना है। और दोस्तों हम मेरा मौसी घर ना बहुत ही सामने है, 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग पैदल ही चल जाएंगे, मतलब गाड़ी में नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे पैदल ही चल के। जाने का टाइम हो गया है, अब रीना और माँ चलेंगे अब मौसी घर। चलो जाओ, पैदल जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, तुरंत पहुँच जाएंगे। दोस्तों रीना और माँ तो चल गए मौसी घर, और अब हम चलेंगे खेत तरफ। कल दोस्तों वीडियो नहीं बना पाए थे तो आज जाएंगे, तो चलिए अभी थोड़ी देर रुकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, अभी 1 बज रहा है अभी, तो थोड़ा धूप घटेगा उसके बाद फिर चलेंगे। दोस्तों पहुँच चुके हैं खेत तरफ, और दोस्तों अभी पूरा पहुँचे भी नहीं है, और पूरा एकदम ना बादल एकदम देख सकते पूरा खतरनाक छा गया, और इधर भयंकर एकदम आंधी आ रहा है, इतना जोर से हवा बह रहा है ना, उधर से पानी आ रहा है पीछे तरफ से, पूरा शोर सुनाई दे रहा है उधर। ये देखिए दोस्तों खेत तरफ का नज़ारा काफ़ी प्यारा एकदम है, हरा भरा, और हवा इतना तेज बह रहा है ना, ये देखिए धान एकदम पूरा मस्त लहलहा रहा है, देखने में एकदम काफ़ी मस्त लगता है, और एकदम मस्त खुला खुला हवा आ रहा है, और उधर से पूरा बादल छाया हुआ है, उधर ही से पानी, मतलब उधर पूरा शोर मचल जैसा लग रहा है, उधर से कोई ना आवाज़ दे रहा है ऐसा, एकदम पूरा ना पानी उधर जाएगा, अभी आज पानी मारेगा ना तो बढ़िया रहेगा एकदम। धान सूख गया है, 2 दिन इतना तेज धूप दिया ना पूरा कड़क वाला, तो आज देखा तो मस्त फिर हो जाएगा धान, हरियाली फिर से आज, मतलब धान ऐसा पोजीशन में आ गया ना, इसको 2 दिन में मतलब पानी चाहिए तो चाहिए, पूरा खेत में भी पानी, उसका मतलब जड़ सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो धान होता ना वो खाली खाली हो जाएगा, जिसको हम लोग वहाँ धान नहीं भर पाएगा। बाकी देख सकते हैं अभी मस्त एकदम लहलहा रहा है धान, एकदम हरा भरा एकदम। तो चलिए अभी अपना खेत पहले चलते हैं और देखते हैं अभी। दोस्तों पहुंच चुके हैं अपना खेत, ये देखिए उधर माचा, और वो देख सकते हैं थोड़ा छेद दिख रहा है, कुंभा बना रहे थे हम लोग, लेकिन इतना टाइट है ना वहाँ पर बन नहीं पाया। बाकी देख सकते हैं हम लोग का ये खेत क्या ही सुंदर लग रहा है एकदम। देखिए यहाँ पर ना पानी सूख गया, ये देखिए पूरा दरार फटल जैसा दिख रहा है, अभी इसको पानी की इतना ज़्यादा ज़रूरत है ना, एकदम मस्त हरियाली हो चुका है, अगर अभी पानी घट जाएगा तो फिर धान सही नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर दादाजी अभी खाना खा रहे हैं, यहीं पर इधर ही रहते हैं, घास काट रहे थे, तो अभी देख सकते खाना मस्त खा रहे हैं। और ये देखिए कुआं हम लोग का पूरा भरा हुआ है अभी, पहले दोस्तों यहाँ पर ना पूरा गंदा था, लेकिन देख सकते धीरे धीरे एकदम मस्त साफ हो रहा है, और मछली भी यहाँ पर, लेकिन आप लोग को दिखेगा कि नहीं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा लेकिन हमको एकदम मस्त दिख रहा है। यहाँ पर है तेलपिया मछली, जिसको हम लोग का तालाब में जो मछली है वही यहाँ पर है, और अभी 2-3 दिन पानी नहीं मारेगा ना तो फिर से पूरा फरिया हो जाएगा, लेकिन पानी मारने से अच्छा होगा। लेकिन देख सकते हैं हमको तो मतलब देख के ही इतना सुंदर लग रहा है ना, काफ़ी प्यारा हरियाली एकदम, और हवा दे रहा ना तो उससे और भी एकदम पूरा देख सकते हैं लहलहा रहा है पूरा धान, देखने में एकदम पूरा मस्त लग रहा है, और यहाँ तो खाने में भी और अच्छा लग रहा होगा दादाजी को, इतना सुकून भरी हवा है, वाह काफ़ी मस्त, टिफिन से ही खा रहे हैं ये देखिए। और ये वाला भी हम लोग का ही है, यहाँ पर भी एकदम सूख गया है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है लेकिन ये इसमें भी सूखने वाला है पूरा, और वहाँ देख सकते हैं बकरी खा रही है, और काला काला और बादल करते जा रहा है, ये देखिए पूरा उधर से ढक रहा है एकदम। बाकी नज़ारा देख सकते हैं आप लोग काफ़ी प्यारा है। दोस्तों इतना मस्त लग रहा है ना, लग रहा है कि यहीं पर एकदम खाटी बिछा के बैठे हुए हैं एकदम,
इतना मस्त हवा चल रहा है ना, भागने का मन नहीं कर रहा है धान खेत के बीच से। और इतना सुंदर हरियाली ना, एकदम मन को एकदम छू लेता है, एकदम लगता है इधर ही सो जाए। लेकिन सोना नहीं होगा, अभी देखते हैं। अभी मौसम भी ख़राब कर रहा है, थोड़ा बहुत पानी देने लगा, पानी नाम लेते ही पानी टिपकने लगा, हाथ में पड़ा मेरा। अब देखते हैं, अभी और भी उधर जाना था लेकिन अब जा पाते कि नहीं, कहा कि उधर भी खेत है। तो पापा बोले चारों तरफ देख के आओ जैसा होगा, नहीं तो फिर मशीन से पटाना होगा पानी। पानी कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और अभी पानी का ज़रूरत है। तो पापा जी बोले थे कि चारों तरफ जाना घूम के, लेकिन अभी तो पानी देना जैसे कर रहा है, जा पाएंगे कि नहीं। हमको धीमे धीमे पानी भी देने लगा थोड़ा बहुत, तब देखते जा पाते कि नहीं, अब मौसम जैसा करता है। लेकिन तो देखते थे पीछे एकदम मस्त लग रहा है एकदम। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मतलब बताए थे वीडियो में, दिखाए थे यहाँ पर टमाटर का बैंगन का मतलब बीज लगाने वाले थे, जिसको हम लोग गाछी करना बोलते हैं। वहाँ पर उसका अभी तैयार करते, पहले बीज गाछी उसके बाद रोपते मतलब खेत में। तो ये देखिए इतना सारा ईंटा निकल गया है ना कोड़ते कोड़ते, तो अभी पहले इसको ना साफ़ करना होगा, उसके बाद फिर मिट्टी अच्छा से कोटना होगा। यहाँ पर ना पहले भट्ठा था, ये देखिए पहले आप लोगों को भट्ठा का अंश दिखा दें। ये देखिए यहाँ पर ईंटा ना, यहाँ पर दिख रहा ना, यहाँ पहले भट्ठा लगाया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर पहले खेत यहाँ पर धान रोपते थे। लेकिन जब से भट्ठा लगा तब से यहाँ खेती नहीं करते हैं, बस यहाँ पर साइड में लगा दिए थोड़ा बहुत कच्चू खाने के लिए, और यहाँ पर तो माचा ही कर दिए हैं। पहले वहाँ पर माचा था, ईंटा आप लोग को तो पहले वीडियो में बहुत पहले वीडियो में दिखा दिए थे। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर ईंटा निकल रहा है, तो यहाँ पर ईंटा पहले निकालना होगा, और भी निकलेगा तो उसके बाद अभी तो नहीं होगा। अगर मम्मी इन लोग गए हैं मौसी घर, तो आएंगे उसके बाद फिर मौसम फ्रेश करेगा, तब इसको अच्छा से पूरा करेंगे। अभी तो हल्का हल्का पानी दे रहा है, अभी वीडियो में नहीं दिख रहा लेकिन पानी दे रहा है हल्का हल्का एकदम पूरा स्लो स्लो, और मौसम तो बना रहा है अभी मारने का। अब देखते हैं मारता है या नहीं। और ये देखिए यहाँ पर हल्दी पता इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, हमसे बड़ा हो गया। ये देखिए इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा, हमसे तो बहुत बड़ा हुआ ये, इतना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा होता है ये हल्दी का पत्ता। और इसका तो रोटी खाने में इतना मस्त लगता है ना, जो पकाता है ना यहाँ पर थाप के काट के, बहुत ही मस्त। एक बार तो बनाए थे वीडियो, आप लोग देखे होंगे, हल्दी पत्ता का पथौड़ा रोटी बनाए थे। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, केले का पत्ता जैसा लग रहा है एकदम। और इसका जो रोटी का टेस्ट है ना, काफ़ी एकदम सुंदर है। आप लोग खाए होंगे, अगर गाँव से होंगे तो पक्का खाए होंगे, क्योंकि गाँव में सब बनाते रहते हैं लोग, हल्दी पत्ता का रोटी होता, सखुआ पत्ता, सरे पत्ता जिसको बोलते हैं, तो ये सब चलते रहता है। लेकिन देखे होंगे आप लोग वीडियो में। ये देखिए ये क्या है, वाह रे, देख सकते इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना भिंडी का ये है पौधा। लेकिन देख सकते ये पेड़ के जैसा बन गया एकदम, इसमें फरा भी है। ये देखिए इतना बड़ा है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन बाग है, इसमें कीड़ा भी लग गया है। और भी ये देखिए और भी यहाँ पर खूब फरेगा अभी, लेकिन कीड़ा काफ़ी लग गया है। ये देखिए एकदम पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कीड़ा लग गया पूरा, काफ़ी बड़ा हो गया, एक ही है लेकिन देख के तो अजीब लग रहा है। ये बड़ा होता है लेकिन ऐसा पेड़ जैसा बन गया पूरा, ये पूरा मोटा हो गया है ना, जो पत्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर अब नहीं रहता है कोई, आप पूरा तो ये तो धंसने के जैसा ये भी हो गया, हम लोग घर जैसा धंस गया ना ये, कभी भी ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर घुसने के लिए बंद कर दिए पूरा। वो देखिए ऊपर किस तरह हो गया, पूरा पानी चू 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 के। और यहाँ पर देख सकते बाला चलने वाला यहीं पर है, यहाँ पर सब निकाल दें, यहाँ पर बहुत सारा रहता था, लेकिन ऐसा हो गया ना तब से यहाँ से कुछ नहीं रखते हैं। और इसके ऊपर तो घास उग गया, ये देखिए यहाँ पर पूरा था, ये देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा ना, तो यहाँ पर अभी पूरा घास उग गया है। ये देखिए पूरा इसको फिर से बनाना होगा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर रह सकते हैं फिर से। दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं खेत तरफ से, और बाहर तरफ पूरा एकदम ना बादल छा गया है, पूरा बिजली कट रहा था, इसलिए हम अभी घर पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय जय किसान, बाय बाय।